तो सब आ चुके हैं हाईवे पे। बाकी हमारे ड्राइवर साहब से पूछते हैं हमारा रूट क्या रहने वाला है। सर आपका नाम क्या है? बाकी ये देख सकते हैं एम्बियंस कितना मस्त है। हाईवे भी सुनसान पड़ गया और ये अपनी सामने खड़ी है भाई ब्रांड न्यू। तो जी एंट्री कर चुके हैं लुधियाना। इस टाइम जितना खाली दिख रही ना रोड, आधे एक घंटे के बाद आना भाई यहाँ पे। सो हे गाइस व्हाट्सअप, सो दोस्तों स्वागत करता हूँ आप सभी का राजस्थान की राजधानी जयपुर में, पिंक सिटी ऑफ द इंडिया से। दोस्तों आज की जो हमारी जो यात्रा है वो हो रही है बस से। तो दोस्तों अभी मैं खड़ा हूँ जयपुर के बस स्टैंड सिंधी कैंप में, और जो आज की अपनी जो लग्जूरियस बस की यात्रा है वो होने जा रही है किसान मतलब विजय टूर एंड ट्रेवल्स की वोल्वो 9600 में, जो कि अपनी राजस्थान और नॉर्थ इंडिया की पहली वोल्वो 9600 है। होने जा रही है जर्नी जो कि जयपुर से अमृतसर के बीच में। अभी तो वैसे शाम का टाइम हो रहा है और ये बस जाएगी रात में 9:15 पे। अभी मैं खड़ा हूँ सिंधी कैंप बस स्टैंड पे, मतलब ये जो बस स्टैंड है यहाँ से जितने भी बस ऑपरेटर्स वगैरह हैं ना सभी के जो ऑफिसेज हैं बस यहीं पे आसपास में ही हैं। बाकी ये बस रात को 9:15 पे सिंपलर नंबर 180 मतलब 180 से डिपार्ट करती है। वहाँ पे इनका ऑफिस है विजय टूर एंड ट्रैवल का और बस वहीं से जाएगी। अब बाकी अपनी यात्रा शुरू होती है 9:15 में, आपको मिलता हूँ सीधा बस में बोर्ड। तो भाई चलो चलते हैं बस के अंदर। बाकी ये कुछ है डैशबोर्ड, ये देख सकते हैं वॉल्वो की ब्रांडिंग के साथ आता है। वॉल्वो वैसे कंफर्ट और लग्जरी के मामले में बहुत ज़्यादा बेहतरीन। सो भाई बस में आते ही ये कुछ इंटीरियर दिखता है, और भाई ये अपनी सीट साइड अपर पीछे बैक रेस्ट भी लगा हुआ है, और बाकी चार्जिंग सॉकेट वगैरह जो भी फैसिलिटीज है मैं दिखाता हूँ अभी। सो भाई मैं अभी आ चुका था अपनी बर्थ पे, और सामने रहा विजय टूर एंड ट्रैवल्स का ऑफिस, और ये अपना मैंने अपना प्राइवेट रूम बना लिया कर्टन्स आगे करके। बाकी कर्टन्स अगर हटाऊंगा तो आपको यहाँ से बाहर का व्यू देखने को मिल जाता है। फाइनली बस निकल चुकी है अपनी जयपुर से। सीट की फैसिलिटीज़ की बात करूँ यहाँ पे एसी का डक लगा हुआ है, यहाँ पे रीडिंग लैंप है, यहाँ पे एक और एसी का डक है, और यहाँ पे स्विचेस दिए हुए हैं रीडिंग लैंप को कंट्रोल करने के, जैसे कि ये रीडिंग लैंप यहाँ से ऑन हो गई और ऑफ कर सकते हैं, ये अली अभी चल नहीं रही है। और बाकी पीछे चार्जिंग का सॉकेट लगा हुआ है जो कि यूएसबी टाइप चार्जिंग है यहाँ पे। बाकी यहाँ पे फ़ोन होल्डर भी है, और बाकी बैक रेस्ट है, एक पिलो मिला हुआ है हमें जो कि वॉल्वो की ब्रांडिंग के साथ आता है। बाकी एक ब्लैंकेट है भाई, ये तो बिल्कुल मोटा लग घर वाला जैसे कंबल नहीं होता वैसा है, इसे तो ठंड बिल्कुल भी नहीं लगेगी। इस बस से हम 650 किलोमीटर का डिस्टेंस कवर करने वाले हैं जयपुर से अमृतसर। बाकी देखते हैं कैसा रहता है, वैसे अभी तक तो काफ़ी कंफर्टेबल बस लग रही है। सो भाई ये है एक और बोर्डिंग पॉइंट जो कि जयपुर में ही है, अभी यहाँ से भी थोड़े पैसेंजर बोर्ड कर रहे हैं। बेसिकली ये बसेस का बोर्डिंग पॉइंट ही है, काफ़ी सारी बसेस रुकती होंगी क्योंकि काफ़ी सारे पैसेंजर्स वेट कर रहे हैं बाहर। तो सब आ चुके हैं हाईवे पे। बाकी हमारे ड्राइवर साहब से पूछते हैं हमारा रूट क्या रहने वाला है। सर आपका नाम क्या है? हेमराज। और हमारा रूट क्या रहने वाला है अमृतसर तक? जयपुर से कोटकपुतली, नारनौल, अम्बाला एक्सप्रेस हाईवे 152 से चलेगी। अच्छा, अम्बाला से लुधियाना, और लुधियाना जलंधर अमृतसर। ओके, तो ये रूट रहने वाला है भाई। अगर आप इस रूट पे अगर ट्रैवल कर रहे हो ना तो ये बस आपके लिए है, और इस बस में बुकिंग कराने के लिए आपको यहाँ पे स्क्रीन पे एक नंबर शो कर रहा होगा और साइट का लिंक शो कर रहा होगा, वहाँ पे टैप करके आप बुकिंग भी करवा सकते हो। बाकी कॉस्टिंग कितनी होगी इस बस की, टोटल कितने की बस है? 1 करोड़ 75 लाख की है, और जो मल्टी एक्सल होती है वो 2.5 करोड़ के आसपास होती है।
भाई अब अपने ड्राइवर साहब चेंज हो चुके हैं और ये अब चलाएंगे बस। भाई वॉल्वो अलग ही हॉरन होता है भाई, मजेदार है हॉरन वॉल्वो का। सो भाई बस की एमिनिटी में आपको मिलता है एक वाटर बोतल और बाकी ब्लैंकेट्स वगैरह तो है ही। इसकी लाइट ऑफ हो चुकी है क्योंकि अब बस सीधा रुकने वाली है ढाबे पे। बाकी आपको मैं एक बार बस का नाइट लुक दिखा दूँ। ऑलमोस्ट सारे पैसेंजर्स अभी भर चुके हैं होटल के, अभी वेट कर रहे हैं तो होटल का या कि जिन्होंने डिनर कर लिया हो सो गए होंगे क्योंकि सब। सो भाई अभी बस रुकी है डिनर हॉल्ट के लिए और टाइम देख सकते हो भाई, टाइम हो गए रात के 11:31 और कितनी लेट नाइट यहाँ पे बस रुकी है इस ढाबे पे हाईवे, पता नहीं क्या कौन सी जगह है, ये होटल पद्मा करके है यहाँ पे रुकी है भाई। बाकी ये कुछ अपनी बस। सो भाई ऐसे होटल में हमारी बस रुकी है और यहाँ पे चल रहा है स्टाफ के साथ डिनर, बस डिनर आने वाला है भाई। और बाकी ये देख सकते हैं एम्बियंस कितना मस्त है। फाइनली यहाँ से डिनर कर लिया और बस पीछे की खड़ी हुई है, डिनर काफ़ी मतलब अच्छा टेस्ट था, मतलब जो हर चीज़ आपको मिल जाएगी यहाँ पे और जनरल प्राइस है। बाकी हाईवे पे रात को 12 आपको खाना मिल रहा है, यही बहुत बड़ी बात है। बाकी यहाँ सब चलेंगे अब सोएंगे भाई, अब सुबह जहाँ पे भी आग खुलेगी वहाँ मिलते हैं। ये वैसे अपना जयपुर एक्सप्रेस वे है, बाकी देखते हैं अब कहाँ आग खुलती है। देख लो हाईवे भी सुनसान पड़ गया और ये अपनी सामने खड़ी है भाई ब्रांड न्यू वॉल्वो 9600S और इधर काफ़ी सारी बसेस भी और भी खड़ी रहती है भाई, ये सारी इकट्ठी निकलेंगी मैंने साथ साथ भी। सो जी फाइनली अपनी वॉल्वो 9600S निकल चुकी है अपने डिनर हॉल से। बाकी यहाँ पे डिनर बहुत फर्स्ट क्लास था भाई और अब हम जाएंगे भाई सोने के लिए क्योंकि काफ़ी रात हो गई, 12 अप्रोक्स और अभी भी लगभग 500 रहता है अमृतसर। सो जी अब आ चुका था मैं अपनी सीट पे और रात काफ़ी ज़्यादा हो रही है तो सोते हैं रात भर, मतलब बस चलने वाली है, सुबह जाके सुबह बस ही रुकेगी मॉर्निंग ब्रेक के लिए राजपुरा के आसपास, तो अब सीधा वहीं पर मिलते हैं। सो वेरी गुड मॉर्निंग गाइस और अभी हम क्रॉस कर रहे हैं राजपुरा, ये देख लो और सुबह के देख सकते हैं 6:02 हो रहा है, 6:00 अब जाके आँख खुली है अभी, पता नहीं जो रेस्ट स्टॉप था वो निकल गया कि रहता है मुझे कुछ नहीं पता भाई, बहुत गंदी नींद आई। अब जो मेन हाईवे है ना उस पे आ गया मैं, ये कन्याकुमारी हाईवे है, दिल्ली हाईवे भी कह सकते हैं।
सो जी एंट्री कर चुके हैं लुधियाना। वही आ गया लुधियाना का चीमा चौक और इस साइड हो गया समराड़ा चौक। समराड़ा चौक अपनी बस नहीं जाती भाई, अब जाएगा ये स्वीटी। लुधियाना बस स्टैंड उतरने वाले सभी यात्री आ गए। सो भाई बस में अनाउंसमेंट भी करके बताते हैं भाई स्टेशन आने वाला जो भी स्टॉप। और ये आ गए भाई प्रीत पैलेस आतम नगर चौक। इस टाइम जितना खाली दिख रही ना रोड, आधे एक घंटे के बाद आना भाई यहाँ पे। अभी बज रहे टाइम सुबह के 7:30 और यही 9 बजे के बाद ना जस्ट अपोजिट हो जाएगा भाई, यहाँ पे हमको पैर रखने की जगह नहीं मिलेगी इस सड़कों पे। So, जी फाइनली पहुंच चुकी अपनी बस लुधियाना और ये सामने है विजय टूर एंड ट्रेवल्स का ऑफिस जो लुधियाना में है। मैं वैसे सोच रहा था अमृतसर जाने का, बट मैं लुधियाना ही उतर गया क्योंकि मेरा होम टाउन भी है। यहीं तक की जर्नी आज हमने की, बाकी ये बस 1-2 घंटे के बाद मैंने 9:30 तक आपको अमृतसर लगा देगी। बाकी इसकी जो डिटेल्स हैं मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ। आपने कहाँ से बुकिंग करानी है, कोई कौन से कॉन्टैक्ट नंबर पर कॉल करना है बुकिंग के लिए, सारा कुछ यहाँ पे स्क्रीन पे शो कर रहा होगा। अब यहाँ पे कॉल करके अपनी बुकिंग करवा देता है। बाकी चलो इसी के साथ करते हैं इस शानदार जर्नी को यहीं पे एंड। वीडियो कैसी लगी मुझे कमेंट सेक्शन में लिख के जरूर बताना। स्टाफ का बिहेवियर वगैरह सारा कुछ बहुत अच्छा था, बस काफ़ी साफ़ सुथरी थी। एमिनिटीज़ में आपको सिर्फ पानी की बोतल मिलती है और जो रेस्ट स्टॉप होते हैं वो काफ़ी बेहतरीन होते हैं। बाकी चलो इसी के साथ करते हैं वीडियो का एंड। वीडियो अच्छी लगी लाइक शेयर कमेंट करना, चैनल को करना सब्सक्राइब। जल्दी मिलते हैं ऐसी लग्जूरियस बस जर्नी के साथ। तब तक के लिए बाय, टेक केयर, सी यू सून। जय हिंद।